आज यानी क्या हो गया यार? बाइक का अगला टायर पंचर हो गया। चलो हमने तुम्हारे साथ चलते हैं, पंचर वाला आगे ही, पंचर वाला ही ढूंढ रहा हूँ, आगे है पंचर वाला, आगे वाला ही। बस चलो चलो आ जाओ, आओ साथ चलते हैं। आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लॉग फैमिली। मैं हूं अली एज और वेलकम करते हैं अपने अनदर ब्लॉग के अंदर। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है लाइफ ऑफ बाइकर इन कराची। तो आज आपके साथ इनकी कहानी शेयर करने वाले, ये छोटा मोटा हम ब्लॉग बनाएंगे इसी के हवाले से, ब्लॉगिंग करने वाले हैं बाइकर के ऊपर कि जो बाइकर हैं कराची के अंदर बाइक चला रहे होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिल रही होती है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है, तो हम आपका टाइम ज्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यानी क्या हो गया यार? बाइक का अगला टायर पंचर हो गया। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, पंचर वाला आगे ही, पंचर वाला ही ढूंढ रहा हूँ, आगे है पंचर वाला, आगे वाला ही। बस चलो चलो आ जाओ, आओ साथ चलते हैं। आपको पेट्रोल है? फुल पेट्रोल है? फुल नहीं है, फुल नहीं भरवाता भाई, चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है कराची में रहते हुए, फुल कराना बेवकूफी है। अच्छा इजाज पे? हाँ यार इधर आओ, देखो इसका अगला टायर पंचर हो गया। एक मिनट है, टायर खत्म है और अंदर की ट्यूब वो भी खत्म है, दोनों चेंज होगा जी, दोनों चेंज होगा जी, दोनों चेंज होंगे, टायर और ट्यूब दोनों चेंज होंगे। अबे ऐसा नहीं करो यार, कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चे का ये आ जाएगा 2400 का। 2400 रुपए का? जी मैं तो 2400 का आ रहे हूँ। कल तक तो मुझे पता भी नहीं था मेरी जेब से 2400 जाएंगे यार जी। क्या यार बैठे बैठे 2400 रुपए मांग रहे, बताओ यार। This is the life of bikers in Karachi. और भैया कराची में मजा आ रहा है आपको? हाँ हाँ भैया, खैरियत तो है यार? बाइक भाई, बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक का पेट्रोल ही खत्म हो गया? आपको टो कर दे तो बोला आ गया। टो नहीं, अभी तो मैंने लेटाई है, थोड़ा आगे तक चली रही। चलो देखो नहीं जा पाएगी भाई, कराची का आपने सुना होगा कि यहाँ की हालत कैसे, मैं आपको थोड़ा टो कर देता हूँ। चलो टो कर रहे हो? हाँ मैं टो कर रहा हूँ आपको। चलो और साथ क्या, फर्स्ट टाइम चला रहे हो कराची में बाइक आप? नहीं नहीं चलाते रहे, ज्यादा नहीं सीधा आप लो इधर, चलाते रहते हैं बाइक कराची में। सर यार आपको तो पीछे से व्हील भी खराब हो रहा है। दिस इज द लाइफ ऑफ बाइकर्स इन कराची भैया। हाँ सीन है जी यार, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपकी हालत देखते हुए यार। अब आप जा रहे हो? हाँ हम जा रहे हैं यार, हम तो फर्स्ट टाइम कराची में आए थे, लेकिन यार तुम जैसे लोगों को यार। आप कहाँ से हैं? हाँ हम अपने घर से हैं, बताएंगे नहीं कहाँ से हैं। ओके भाई, राइडिंग तो अपन ने कर ली है बाइक की, अब ये चाय की होटल सामने और अब चाय भाई भी पीते हैं। आप पिला रहे हैं? हाँ पिला दूंगा, मसला नहीं है, तो चले पीने आ जाओ। मैं क्या हो गया इसको? हाँ भैया क्या मसला हो गया यार? पता नहीं यार बाइक अचानक से रुक गई है। रुक गई है? हाँ तब तो मैं इसको देख रहा हूँ क्या हुआ है। हम देखे, आपको आता है बाइक का? हाँ देखे, मैं आया हूँ नॉर्थ में आने वाला बात। अच्छा प्लग शार्ट है? प्लग शार्ट? हाँ प्लग शार्ट है। कितने का खर्चा आएगा? अबे क्या मैं मैकेनिक हूँ क्या? एक तो मदद कर रहा हूँ, तो मेरे से पूछ रहे हो खर्चा आएगा? मैकेनिक मैकेनिक की शॉप पीछे, वहाँ जाके आप बनवा लो। कितना टाइम लगेगा मैकेनिक? मैं क्या पैदल ले जाऊँ? पैदल लेके चले जाओ, उतना टाइम लगेगा। पीछे ये 500 रुपए का खर्चा आएगा, करवा लो जाकर। सही है, शुक्रिया, आप ये करवा लो। दिस इज द लाइफ ऑफ बाइकर दिन का। यार अली मैं अभी बाइक बनवा के आ रहा हूँ, कुछ समस्याएं इसमें। अब तो समस्या है तो क्या करें, आराम कर लिए। कराची में रह रहे हो मेरे भाई, कराची में आपको सारी चीजें फेस करनी है। ये आप कोई पेरिस में नहीं रह रहे हो? एक तो मसला है, हजारों मसले हैं अभी। मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी बोला क्या, कराची में रह रहे हो, मेरे को पास आओ, मेरे को पास में दिखाएंगे हम, वो हमारा पेरिस है।
वहाँ पर बाइक क्या, वहाँ पर इंसान भी खराब नहीं होते, पता आपको। लेकिन क्या करें यार, कराची में देखो अभी हमें चीजें फेस तो करनी है ना यार, कभी इसका इंजन खराब हो रहा है, कभी बाइक पंचर हो रही है और कभी चैन उतर रही है इसकी, क्या करें यार, बड़े खतरनाक हालत है यार। बाइक चेंज कर लेंगे, अच्छी बाइक ले लेते हैं भैया। इधर कहीं मकैनिक है? मकैनिक भाई खैरियत तो है, क्या पैदल लेके जा रहे हो बाइक भाई? यार चलते चलते बंद हो गई। अरे यार चलते बंद हो गई यार, बहुत दूर से इसको लेकर आ रहा हूँ मैं, बहुत दूर से लेके आ रहा हूँ, दूर से लेकर आ रहा हूँ, मकैनिक ढूंढ रहा हूँ। अच्छा यार अफसोस हो रहा है, इतनी अच्छी बाइक है वो आपने खराब कर दी यार, क्या चलते चलते बंद हुई है? चलते चलते बंद हो गई बस भाई, यही आप बंद नहीं हुए, आप भी बंद हो जाते साथ में, होने लगा हूँ मैं भी बंद। दिस इज द लाइफ ऑफ बाइकर्स इन कराची, ये है क्या कह रहा हूँ, दिस इज द लाइफ ऑफ बाइकर्स इन कराची। हाँ यार देखो बाइकर्स की हालत तो बड़े बड़े खतरनाक हालत है बाइकर्स की, इधर ये चीज आपको फेस करनी है। बाइक अच्छी रखी हुई आपने यार, आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आगे जाने के बाद आपको सीधे सीधा आपकी गली होगी, उसमें टर्न नहीं करना है, उससे आगे एक और गली होगी वहाँ टर्न करना, वहाँ आपको मैकेनिक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप चले जाओ, बहुत बुरे लग रहे हो, ये बाइक देख देख के मेरी नजरें खराब हो रही है और मेरा दिल बिल्कुल मतली कर रहा है, ले ये बाइक ले जाऊँ मैं। अब हम इस पे बात कर रहे हैं यार, देखो हम इस बाइक पे बात कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी बाइक वो भी खराब हो गई यार, क्या क्या कर दूंगा। हाँ बस चलाएंगे अब ना, वो नाच भी लेके आओ अपने अंदर। तो यो गाइस होपफुली आपको हमारा ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है, जो हमने कराची में जो राइडर्स हैं बाइकर्स हैं उनके बारे में बनाया है, तो उनको क्या क्या मतलब परेशानी वो फेस कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ हमने बना ली है और वीडियो में महसूस कर दी है, और होपफुली आपको ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। पसंद आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी है और ठोकना भी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे मेरी पूरी बुराक टीम के टाइगर्स को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लाइफ ऑफ बाइकर्स इन कराची।